दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो एक सरकारी ऑफिसर बने, और सरकारी अफसर में भी उसका सपना आईएएस ऑफिसर बनने का होता है। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और प्रशासनिक सेवा में काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ये बात तो सभी जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, इसीलिए एक्सपर्ट्स इसकी तैयारी 10वीं के बाद से ही शुरू करने की सलाह देते हैं। मगर आईएएस बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, इसको लेकर छात्र अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम आपका ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स लें। तो 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स और यूपीएससी के एंट्रेंस टेस्ट के बीच लगभग 6 से 7 साल का समय होता है, और इन 6 से 7 सालों में 2 बार आपको अपने पसंद के विषय चुनने का मौका मिलता है। पहला 10वीं के बोर्ड के बाद और दूसरा 12th के बोर्ड्स के बाद। तो यूपीएससी की प्रेपरेशन के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप दोनों ही समय अपने सब्जेक्ट का चयन बहुत सोच समझ कर करें। तो 10वीं कक्षा तक हमें सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होती है, पर 10वीं कक्षा के बाद हमें एक विषय की पढ़ाई करनी होती है। इसीलिए 10वीं कक्षा के बाद हम अपने रुचि अनुसार विषय चुनते हैं, या तो विज्ञान चुनते हैं, या तो कॉमर्स चुनते हैं, या फिर आर्ट्स विषय चुनते हैं। तो यदि आपका लक्ष्य आईएएस बनने का है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यूपीएससी में किस सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो साइंस स्ट्रीम लेने से आपके लिए आगे चलकर इंजीनियरिंग या मेडिकल का ऑप्शन अवेलेबल होता है, या फिर यदि आप साइंस में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो उसमें ये फ़ायदा है कि आप आगे चलकर यदि यूपीएससी में सफल नहीं हो पाते हैं तो आपके लिए बिजनेस या फाइनेंस क्षेत्र में आसानी से आप उस क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में साइंस और फाइनेंस दोनों ही विषयों से संबंधित काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि आपका बेस इन सब्जेक्ट्स में बढ़िया है तो आपको तैयारी में एक एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। तो वैसे तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कला विषय जो है, आर्ट्स जो जिसे हम कहते हैं, वो सबसे अच्छा विषय है, क्योंकि इसमें आपके ये जो अधिकतर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो आईएएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। मगर 11th और 12th में सब्जेक्ट्स अपनी रुचि के अनुसार ही चुने। और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की जिनसे स्नातक की पढ़ाई करने से आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद मिल सकती है। तो पहले हम बात करते हैं साइंस यानी विज्ञान की। तो विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार लगातार आईएएस के एग्जाम में सफल होते रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी बाकी विषयों वालों की है। हालांकि वैज्ञानिक सोच और टेक्नोक्रैट की वजह से विज्ञान विषय वालों की संख्या भी अब आईएएस के रूप में लगातार बढ़ रही है। बात करते हैं कॉमर्स की। तो पिछले कुछ सालों में आईएएस एग्जाम देने वालों में एमबीए और बीकॉम बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। अब यूपीएससी परीक्षा में तर्क, गणित, डेटा की व्याख्या और निर्णय लेने की जो क्षमता है, ऐसे सेक्शन भी शामिल किए गए हैं जिससे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट साबित होते हैं। अब बात करते हैं मानविकी की। तो यूपीएससी की तैयारी में मानविकी एक ऐसा विषय है जिसकी पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मात्रा में आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हैं। तो मानविकी को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का गढ़ माना जाता है। अगर आप हर साल यूपीएससी पास करने वाले कैंडिडेट्स का डेटा देखेंगे तो ये पाएंगे कि अन्य विषयों की तुलना में मानविकी विषय का चयन करने वाले कैंडिडेट्स की सफलता का प्रतिशत ज़्यादा ही रहता है। हालांकि लगातार मानविकी विषय से पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट सफल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में मानविकी विषय को चुनने वाले कैंडिडेट्स की संख्या में कमी आई है। तो अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं तो मानविकी विषय आप चुन सकते हैं, क्योंकि हर साल मानविकी विषय चुनने वाले उम्मीदवार ज्यादा संख्या में यूपीएससी पास करते हैं।
तो यदि हम पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें तो पता चलता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स का रुझान भी आईएएस की तरफ बढ़ रहा है, मगर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और इनकी पढ़ाई करते हुए आईएएस की तैयारी के लिए समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी यदि आपकी रुचि इन दोनों में से किसी सब्जेक्ट में है और आप साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। अंततः हम तो आपको यही सलाह देंगे कि ऐसे विषय की पढ़ाई करें जो आपको अच्छे लगते हों, जिनको पढ़ना आपको बोझिल नहीं लगता हो, इंटरेस्टिंग लगता हो और जो आप आसानी से समझ जाते हैं। तो सिर्फ ऐसे ही सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपको आईएएस बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लिए, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।